गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिजम्पशन की, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, सेक्शन 4 की। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 4 की, उससे पहले हम बात करेंगे प्रिजम्पशन की। तो प्रिजम्पशन क्या होती है? देखो, अगर हम लॉ की बात करें तो यहाँ पे ना हर एक चीज़ को, हर एक फैक्ट को ना प्रूफ करना पड़ता है। बिना प्रूफ के किसी भी चीज़ को माना नहीं जाता है यहाँ पे। अगर कोई चीज़ फैक्ट को या किसी चीज़ को प्रूव नहीं किया है, इट मीन्स वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लॉ ऑफ एविडेंस हमें कुछ ऐसी चीज़ें देता है, कुछ ऐसे जिसे हम प्रिज्यूम करके चलते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस कुछ प्रिजम्पशंस की बात करता है जिन्हें कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है। प्रिजम्पशन का हम क्या मतलब होता है? प्रिजम्पशन का मतलब होता है कुछ मान के चलना, कुछ मानना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिजम्पशंस की। सो ये कहता है दैट कोर्ट मे प्रिज्यूम सर्टन थिंग्स, कि कोर्ट जो है वो कुछ चीज़ों को मान के चलता है, उन्हें प्रिज्यूम करके चल सकता है, ठीक है? तो उसके लिए उसे प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है। अगर उसके लिए प्रूफ नहीं है तो वो ये चीज़ मानेगा कि हाँ ऐसा है, ये चीज़ है, ठीक है ना? अब जैसे कि राम की वॉच जो है, राम की जो घड़ी है वो गुम गई है, तो चोरी हो गई है, ठीक है? तो चोरी होने के बाद कुछ ही टाइम बाद वो घड़ी जो है वो बी से, दैट इज शाम से, रिकवर हुई है, ठीक है? तो अब यहाँ पे यही चीज़ मानी जाएगी कि जो मतलब घड़ी थी राम की, जो चोरी हुई थी वो शाम ने चोरी की थी। ये हमारा एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हो गया। ये हम चीज़ें जो हैं, ये एक हम फैक्ट मतलब इसे हम प्रिज्यूम करके चलेंगे। तो ये हो गया। अब जैसे कि सपोज एक लेटर है, ठीक है, वो हमने जो है वो पोस्ट कर दी है, तो यही चीज़ मान के चली जाएगी कि वो लेटर वहाँ पे पहुँच गई है जहाँ पे हमने पोस्ट की है, क्योंकि नॉर्मली जो कोर्स होता है उसमें वो लेटर जो है वो पहुँच ही जाती है। तो ये भी एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हो गया। तो अभी हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन की। काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन में तीन तरह की प्रिजम्पशन होती हैं। एक होती है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, दूसरी होती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। अभी हम एक एक चीज़ को जाने। अच्छा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो अभी फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की। तो फैक्ट जो है वो मतलब उसे हम कैसे प्रिज्यूम करके चल सकते हैं? तो वो जो फैक्ट है वो ऑब्जर्वेशन से प्रिज्यूम किया जा सकता है फ्रॉम कोर्स ऑफ नेचर। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है? अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि ए की घड़ी चोरी हुई है और वो बी से मिली है, चोरी होने के तुरंत बाद वो बी की पोजेशन से मिल गई, तो यहाँ पे यही चीज़ प्रिज्यूम करके चली जाएगी, जो ए की घड़ी थी वो बी ने ही चुराई थी, ठीक है ना? तो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हो गया। हमने एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर लिया, हमने प्रिज्यूम कर लिया कि जो ए की घड़ी थी ना वो बी ने ही चुराई थी, क्योंकि बी की पोजेशन से रिकवर हुई है, ठीक है? तो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। सेकेंडली हम बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है ना, वो दो तरह के प्रिजम्पशन देता है। एक देता है इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एंड सेकेंड देता है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। तो अगर हम बात करें इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, तो इररिबटेबल मतलब कि जिससे झुठलाया नहीं जा सकता, ठीक है? जो इररिबटेबल प्रिजम्पशंस होती है ना, उसे रिबट नहीं किया जा सकता, मतलब झुठलाया नहीं जा सकता। और वो प्रिजम्पशन जो है ना, वो कोर्ट मान के चलता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एविडेंस दे दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं था तो वो कोर्ट मान लेगी, नहीं। इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो कोर्ट हमेशा मान के चलता है, चाहे हम कितने भी एविडेंस दे दें उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन जितने भी एविडेंस होंगे ना वो सारे कम मतलब वो सारे नहीं माने जाएंगे। वो प्रिजम्पशन जो है वो हमेशा मान के चली जाती है, कितने भी एविडेंस दे दो उस चीज़ को हम रिबट वे नहीं कर सकते। मैं दोबारा से बता रही हूँ, इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती हैं वो प्रिजम्पशन जिन्हें हम नहीं झुठला सकते। हम कितने भी प्रूफ दे दें उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि नहीं ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ हमेशा
उसी प्रिजम्पशन को लेके जो है वो कोर्ट चलेगी। कितने भी एविडेंस दे दो वो चीज़ हम ख़त्म नहीं कर सकते, उस चीज़ को कोर्ट हमेशा मान के चलती है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 82 ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 82 है वो कहना है कि अगर कोई भी ऑफेंस 7 साल से छोटे बच्चे ने किया है तो वो ऑफेंस जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो उस छोटे बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी। तो अब अगर कोर्ट में ये चीज़ प्रूव कर दी जाए कि जो बच्चा था वो 7 साल से छोटा था, तो कोर्ट यही मान के चलेगा कि इसने ऑफेंस नहीं किया है। हम चाहे कितने भी प्रूफ दे दें कि उसने बुरी इंटेंशन के साथ किया था इसको, उसकी बुरी इंटेंशन थी, वो मारना चाहता था, ये वो फ्लांटिंग, हम जितने एविडेंस दे देंगे, लेकिन कोर्ट हमेशा इसी चीज़ को प्रिज्यूम करके चलेगी कि नथिंग इज ऑफेंस विच इज़ डन बाय अंडर चाइल्ड ऑफ 7 ईयर्स। तो दिस इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। एंड सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इररिबटेबल का ऑपोजिट है। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती हैं, उन्हें हम रिबट भी कर सकते हैं। हाँ, कोर्ट एक चीज़ को प्रज्यूम करके चलती है, लेकिन अगर हम उसके कॉन्ट्रेरी एविडेंस दे दें, उसके अगेंस्ट एविडेंस दे दें कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, तो कोर्ट उस चीज़ को मान लेगी। तो ये सर्टन लीगल रूल्स होते हैं जिन्हें कि रिबट किया जा सकता है। अगर हम उसकी क्वांटिटी एविडेंस दे देंगे तो वो रिबट वे हो जाएंगे, उन्हें हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये चीज़ मानी जाती है कि मैन इज़ प्रूव्ड इनोसेंट अंटिल गिल्टी, तो जब तक उसे गिल्टी प्रूव नहीं किया जाएगा वो इनोसेंट माना जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसके गिल्ट का एविडेंस दे देंगे तो उसकी जो प्रिजम्पशन है ऑफ बीइंग इनोसेंट वो हट जाएगी, तो एविडेंस दे के हम उसे हटा सकते हैं। तो दिस प्रिजम्पशन कैन रिबट अवे बाई गिविंग एविडेंस। सेकेंडली, अब मान लो अगर कोई भी बच्चा एक वेडलॉक में पैदा हुआ है, एक शादी है, एक लेजिटिमेट शादी हुई है, और उसमें अगर कोई भी बच्चा होता है तो उसे लेजिटिमेट ही माना जाएगा, उसे जायज़ ही माना जाएगा। लेकिन इसके ये एक प्रिजम्पशन है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके कॉन्ट्रेरी, इसके अगेंस्ट, हम इस प्रिजम्पशन के अगेंस्ट अगर हम एविडेंस दे देते हैं कि इट्स इलेजिटिमेट, तो कोर्ट जो है वो उस प्रिजम्पशन को हटा सकती है, उसे रिबट अवे कर सकती है। तो दिस इज़ द रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। देन लास्ट वी हैव मिक्स्ड प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो ये जो होती है ना, इसमें हम 3 चीज़ों को समझेंगे। इट सेज मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो सेक्शन 4 इन तीनों की बात करते हैं। तो मे प्रिज्यूम का क्या मतलब होता है? इट सेल्फ फ्रॉम द वर्ड वी आर गेटिंग इट मे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो जब भी यहाँ पे मे प्रिज्यूम आएगा तो कोर्ट, इट सेज कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो मे मीन्स कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो वो उसे मान सकती है, चाहे वो नहीं मान सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है, वो अपनी डिस्क्रिशन को यहाँ पे एक्सरसाइज करती है अपनी मर्जी से, ठीक है। वो एक सर्टन फैक्ट को प्रिज्यूम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, मीन्स वो सर्टन फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है, और सेकेंडली बिना किसी एविडेंस के, और चाहे तो वो एविडेंस मांग सकती है बिना उस चीज़ को प्रिज्यूम किए। तो हेयर कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन। अब देन सेकेंड वी हैव शैल प्रिज्यूम। अब शैल में इटसेल्फ से क्लियर हो रहा है कि शैल प्रिज्यूम में कोर्ट शैल प्रिज्यूम, शैल मतलब उसे प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं हो सकती होती कि वो अपनी मर्जी से उसको प्रिज्यूम करे या उसको प्रिज्यूम ना करे, उसको यहाँ पे अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज नहीं करना होता, उसे इस चीज़ को प्रिज्यूम करना ही पड़ता है, ठीक है। इसकी भी एग्जाम्पल जो है वो सेक्शन 89 में दी गई है, मतलब सेक्शन 89 जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है कि कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट ये चीज़ मान के चलेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, उसको मानना पड़ेगा कि एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस अटेस्टेड स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट ने मांगा था और वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट जो था वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड था, वो एग्जीक्यूटेड था, लेकिन फिर भी जो पार्टी है उसने प्रोड्यूस नहीं किया था, कोर्ट यही मान के चलेगा। तो इट कोर्ट शैल प्रिज्यूम, वो बात की बात है कि पार्टी उसको टू द कंट्रेरी रिबट अवे कर दे, लेकिन पहले कोर्ट मान के ही चलेगा। देन थर्ड वी हैव कंक्लूसिव प्रूफ। सो इसमें क्या होता है कि अगर एक फैक्ट प्रूव हो चुका है तो वो दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होता है, अगर ये चीज़ मेंशन हो। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि जब एक फैक्ट जो है उस
प्रूव कर दिया जाता है और ये चीज़ मेंशन कर दी जाती है कि ये फैक्ट जो है वो दूसरे फैक्ट का, अनदर फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, तो वहाँ पे कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिजन नहीं होती है, ना ही ऑपोजिट पार्टी को अलाउ किया जाता है कि टू प्रूव इट अदरवाइज। ठीक है, तो जब यहाँ जब एक जगह पे एक फैक्ट को आप इस्टेब्लिश कर दो, ठीक है, कि ये फैक्ट ऐसे ऐसे है, तो आप दूसरी जगह पे उससे मुकर नहीं सकते हो कि नहीं ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो जब आपने एक चीज़ मान ली, एक जगह पे मान ली, तो आप सेकंड जगह पे जाके उस चीज़ को मना नहीं कर सकते हो। फिर वो जो आपने जहाँ पे अपने जाके माना है ना, वो दूसरे फैक्ट के लिए वो आपका कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी को भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो उसको रिबट अवे कर दे। जैसे अब एक जगह पे ए जाके कहता है कि हाँ मैं शाम हूँ, ठीक है, अब दूसरी जगह पे जाके वो उस चीज़ को मानने से इनकार कर दे, तो वो उसका जो जब उसने ये चीज़ कही है कि वो शाम है, तो वो उसका एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा फॉर अनदर फैक्ट। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक सूट फाइल हुआ, तो उसको उस केस में जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया कि जो बी है ना वो ए की वाइफ है। अब कल को मान लो एक फिर से सूट फाइल हो जाता है और बी कहती है कि मैं सी की विधवा हूँ और मुझे सी की सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे जो फैक्ट ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द केस ऑफ ए वर्सेस बी कि जो बी है वो ए की लीगली वेडेड वाइफ है, वो यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ होगा। आर यू गेटिंग इट? कि जब ए और बी के बीच में सूट हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि जो बी है वो ए की लीगली वेडेड वाइफ है, तो ये फैक्ट जो है वो इन द केस ऑफ बी वर्सेस सी और डी व्हाट एवर इट इज, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा और वहाँ पे बी को स्टॉप किया जाएगा, उसे रोका जाएगा ये चीज़ कहने से कि वो सी की विधवा है, बिकॉज अगर ए की वाइफ थी बी तो वो सी की विधवा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन सच थिंग्स अगर एक फैक्ट जो दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ हो जाए, तो फिर वहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होती है और ना ही दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि वो उसको एविडेंस देके रिबट अवे कर सके। आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल हियर। अब फॉर एग्जांपल ए ने एक जगह पे माना कि हाँ ये गाड़ी जो है वो मैंने चोरी की है, ठीक है, ये मेरी चोरी की गाड़ी है, तो यहाँ पे अगर मान लो कल को बी कहे, ए कहे कि ये गाड़ी तो मेरी अपनी है, ठीक है, तो ये उसका कंक्लूसिव प्रूफ बनेगा अगेंस्ट हिम कि अब पहले तो उसने ये चीज़ मानी थी कि हाँ ये गाड़ी चोरी की है, तो अब ये फैक्ट उसका कंक्लूसिव प्रूफ बनेगा और वो नहीं ये चीज़ कह सकता कि ये गाड़ी मेरी अपनी है। ओके, सो दिस वॉज आर कंसेप्ट ऑफ प्रिजम्पशंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस।